मलेरिया की दवा का उपयोग सही तरीके से आम जनमानस करे, उसके लिए जिला अस्पताल के सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। लेकिन समाज को अच्छा संदेश देने के बजाय स्टेट लेवल से आए ऑफिसरों ने खाना पूर्ति कर दी और अपना एजेंडा पूरा कर चलते बने। ऐसे में सरकार की मंशा पर कितना खरा मलेरिया विभाग उतर रहा है, यह वर्तमान सर्वे रिपोर्ट बयां कर रही है। कल 6 दिसंबर से फाइलेरिया दवा का वितरण किया जाएगा। इसके लिए बिना प्रसार के ही लोगों को जागरूक कर दिया गया। भोपाल से मॉनिटरिंग के लिए उमरिया आए सत्येंद्र पाठक ने लापरवाह मलेरिया अधिकारी का पक्ष लेते हुए सारी की सारी कमियों पर पर्दा डाल दिया, जिससे आज स्थिति यह है कि जिले में इस वर्ष नए 26 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद सहज ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में किस स्तर पर मलेरिया विभाग कार्य कर रहा है। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय अधिकारी एक दूसरे की देखिए, हम आज यहाँ पर एकत्रित हैं और कल से हमारा ये सामूहिक दवा सेवन फाइलेरिया बीमारी से मुक्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। उसमें DCL एल्बेंडाजोल की गोली तभी पात्र जन समुदाय को खिलाई जानी है और समक्ष में खिलाई जानी है। ये फाइलेरिया जो हाथी पांव की बीमारी होती है, हाइड्रोसिल की बीमारी होती है, उससे मुक्त करने के लिए है। वो बीमारी नहीं हो, क्योंकि ये जिला जो है प्रदेश के 11 जिलों में से एक है जहाँ पर फाइलेरिया के केसेस हैं और संक्रमण है। उस आधार पर चूंकि जो हमारा सर्वे हुआ है उसमें 1% से ज़्यादा लोगों को संभावना है जहाँ पे संक्रमण पाया गया है, फाइलेरिया के संक्रमण के लिए जो संभावित जो बैक्टीरिया ब्रोंकोफाइटिस है, जो वॉर्म है उसके माध्यम से, उसके कारण से ये बीमारी फैलती है और मच्छर जो है क्यूलेक्स उसके कारण से, क्योंकि फेसिएटस स्पीसीज से फैलता है। तो जब हर जन समुदाय को जो पात्र हैं, ये सिर्फ हम छोड़ देते हैं गर्भवती माता को, 2 साल से छोटे बच्चों को और बहुत बीमार व्यक्ति अगर है उनको के अलावा सभी व्यक्तियों को समक्ष में उम्र के अनुसार उनको दवा खानी है। इस दवा को खा लेने से अगर शरीर में ब्लड में सर्कुलेशन में माइक्रोफाइलेरिया उपलब्ध है तो वो नष्ट हो जाता है और वो व्यक्ति इस बीमारी से मुक्त होने की स्थिति में हो जाता है। अभी आपने बताया कि नए इस वर्ष जो है सर्वे हुआ, नए 26 केस आए हैं सामने और उनको ठीक करने का आपका प्रयास भी होगा, क्योंकि पिछले बार जो भी दवाइयां आई थी वो एक जगह स्टॉक में रखाई गई हैं, भारी मात्रा में कुएं में फेंकी गई और जलाई गई। इस पर स्टेट लेवल पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए संबंधित के विरुद्ध? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे पास इसका अगर कोई डॉक्यूमेंटेड चीजें आएंगी कि अगर ऐसा हुआ है उसके प्रूफ के साथ में, तो एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसके निपटान या उसके समाधान या उसकी जांच प्रक्रिया में वास्तविकता की जो भी हायर लेवल से जांच की प्रक्रिया है वो होगी और जो निकल के आएगा अगर सत्यता जो है उसके अनुसार होगा। पर वर्तमान में जो हम प्रक्रिया में हैं, सभी से हमारा यही अपील है कि इस वर्ष हमने 3 दिन का अभी जो 6, 7 और 8 दिसंबर का प्लानिंग की है, हर गाँव में घर घर दवा सेवक और शहरी क्षेत्रों में भी दवा सेवक जाएंगे, समक्ष में उम्र के अनुसार निर्धारित डीसी और एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाएंगे। डीसी में ऐसा है कि उम्र के अनुसार अलग अलग डोज है, अगर उनको 2 से 5 साल के कोई बच्चे हैं उनको 1 गोली डीसी और 1 एल्बेंडाजोल देनी है, अगर 6 से 14 साल के हैं तो 2 डीसी और 1 एल्बेंडाजोल, और अगर एडल्ट है तो 3 डीसी की गोली और 1 एल्बेंडाजोल की गोली देना है। डीसी की गोली 100 मिलीग्राम की 1 गोली होती है। पिछली बार जो त्रुटियां हुई विभाग की ओर से, इस बार ना हो ऐसी मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई ऐसी कमेटी बनी है? देखिए, ऐसा है हर समय सुधार के लिए होता है और हम और शासन हर स्तर से प्रयास करती है कि हम जो भी पुराने गैप्स होते हैं उनका एनालिसिस करें और आगे और बेहतर करने की कोशिश करें। इस बार हम लोगों ने 3 दिन का माइक्रो प्लान किया हुआ है। इस बार इस जिले को सिर्फ एक ही जिले को अलग डेट पे रखा है, जिससे कि हम और अच्छे तरीके से ग्राम स्तर तक भी जाकर के मॉनिटरिंग कर पाएं कि कार्यक्रम में लोगों ने कितना सहयोग किया है और कितना दवा का सेवन कर रहे हैं और हमारे वर्कर जो प्रशिक्षित हमने नीचे फील्ड में काम के लिए लगाया है वो काम पर कर रहे हैं कि नहीं, और करेंगे ही निश्चित रूप से। और हमारे स्टेट से WHO से और इसके अलावा जो बाकी प्रोग्राम से NBBDCP से सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, लगभग 6 से 7 लोग हम जिले के बाहर के लोग यहाँ एकत्रित हैं। आपको पता है कि 3 ही ब्लॉक हैं इस जिले में, तो औसतन हम हर ब्लॉक में 2 लोग जिले के बाहर के भी होंगे। जिले की मॉनिटरिंग टीम जो पूरी बनी है वो भी रहेगी, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी है जो ब्लॉक लेवल से मूव करेगी। अगर कहीं पर ऐसा लगता है दवा खाने के बाद कोई उसके प्रभाव से किसी को जो एडवर्स रिएक्शन की बात होती है, उल्टी मितली सिरदर्द या खुजली बुखार ऐसा कुछ लगता है, उसके मैनेजमेंट की भी टीम तैयार है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से राजा तिवारी की रिपोर्ट।